करेंगे नारायणपुर का बड़ी खबर। अबूझमाड़ के मोहंदी में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस ब्लास्ट में आईटीबीपी के दो जवान घायल हो गए। सर्चिंग करके टीम लौट रही थी, जवानों की टीम, और उसी दौरान ये आईईडी ब्लास्ट किए गए। घायल जवानों को तत्काल एयरलिफ्ट कर लिया गया है। नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अबूझमाड़ के मोहंदी में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। इसकी चपेट में आईटीबीपी के दो जवान आ गए। सर्चिंग से टीम वापस लौट रही थी और तब ये धमाके किए गए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर लिया गया। नारायणपुर का ये मामला है, घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। खेम नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेम नारायण के पास आपको लिए चलेंगे। खेम नारायण, क्या कुछ अपडेट ये भी बताइए और जवानों की स्थिति कैसी है इसके बारे में भी अपडेट। खेम नारायण जी ललित, आपको मैं बता दूं कि जो जवान सर्चिंग अभियान के लिए निकले थे, उन जवानों वापस लौट रही जो सर्चिंग के जो जवान हैं उन पर आईटी के ब्लास्ट में दो जवान चपेट में आ गए और घायल हो गए। घायल होने की स्थिति में जो है जो जिला नारायणपुर से एम्बुलेंस भेजी गई थी, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए जो है एयरलिफ्ट कराया गया और एयरलिफ्ट के द्वारा जो है अब जवानों को जो है रायपुर रिफर किया जा रहा है और उनकी स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। और जिस तरीके से लगातार जो है सर्चिंग अभियान अबूझमाड़ के जंगल में चलाया जा रहा है और लगातार जो है जवानों को बड़ी बड़ी सफलताएं इसमें मिल भी रही हैं, और उसी क्रम में जो है ये सर्चिंग अभियान भी जारी रखा गया था। और सर्चिंग अभियान से वापस जब जवान लौट रहे थे गश्त से, तो आईडी जो प्लांट नक्सलियों के द्वारा की गई थी, उस आईडी वो आईडी फट जाने की वजह से जो है ये दो जवान चपेट में आ गए हैं और ये दोनों जवान आईटीबीपी के बताए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद खेम नारायण इस तमाम अपडेट के लिए। खेम नारायण हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे थे। और अब बात करेंगे गैंग्स ऑफ रायपुर। रायपुर के मौधापारा इलाके में गैंगवार से सनसनी फैल गई। पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। लाठी चले, डंडे चले, धारदार हथियार चले, ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। इस गैंगवार को, गैंगवार की तस्वीरें देख लीजिए। गैंग्स ऑफ रायपुर, दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों के गुर्गे एक दूसरे के आमने सामने आ गए। वर्चस्व की लड़ाई से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई को जोड़कर इसे देखा जा रहा है। सख्ती में दो भाइयों की मौत के मामले में अपडेट आया है। शॉर्ट पीएम में, यानी शॉर्ट पोस्टमार्टम में जहर की पुष्टि हुई है। तंत्र साधना के दौरान इन दो भाइयों की मौत हो गई थी। अब परिवार के जो चार सदस्य हैं उनकी भूमिका संदिग्ध है। उन सभी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव केरल में कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। पूर्व मेयर और कांग्रेस के प्रमुख दावेदार प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म ले लिया है। दुबे ने नामांकन फॉर्म भरने में बहुत सी, ये कहा है कि बहुत सी औपचारिकताएं निभानी होती हैं, समय कम है, इसलिए उन्होंने फॉर्म खरीद लिया है। प्रमोद दुबे ने कहा कि पार्टी टिकट देती है तो जरूर लड़ूंगा। नहीं, किसी ने इस प्रकार का इशारा नहीं किया और न ही किसी ने मुझे आश्वस्त किया है, लेकिन ये प्राथमिक प्रक्रिया होती है। जो भी चुनाव लड़ता है वो कुछ लोग कल खरीदेंगे, कुछ लोग परसों खरीदेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है। जो हाल में लड़ेंगे क्या जी? पार्टी टिकट देगी तभी लड़ेंगे? नहीं, पार्टी टिकट देगी तभी लड़ेंगे, हाल में नहीं लड़ेंगे। और ये भी एक प्रक्रिया होती है कि आप फॉर्म भर लीजिए जिसके नाम से बी फॉर्म आता है, बाकी लोग विड्रॉ करते हैं। ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है जिसको हर कोई फॉलो करता है।